हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे सम्राट की बात करने जा रहे हैं जो बहुत ताकतवर है। हाँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की गिनती भारत के योग्य सम्राट में की जाती है। अपने बाहुबल से गुप्त साम्राज्य का विस्तार कर उसने अनंत सेवा की, जिसका फलस्वरूप गुप्त साम्राज्य की नींव कभी कमजोर नहीं हुई। वह एक बेजोड़ सेनानायक था। वह अपने देश में विदेशियों को देखना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया था। कूटनीतिता के क्षेत्र में वह एक अद्वितीय था। वह अपने देश को पूरा करने के लिए कुछ भी करता था। वह अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए सुकर्म कुकर्म कुछ नहीं समझता था। उसने एक नारी का वेश धारण कर शंकर राजा की हत्या की और अपने ज्येष्ठा भ्राता रामगुप्त का वध कर दिया और मगध की गद्दी को प्राप्त किया तथा ध्रुव देवी को अपनी पत्नी बना लिया। उसने अन्य देशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया। उसके इन सभी कार्यों से यह पता चलता है कि वह एक उच्च कोटि का कूटनीतिज्ञ था। उसमें एक अच्छे शासक के सभी गुण थे। उसकी शासन व्यवस्था बहुत अच्छी थी। वह न्यायप्रिय व्यक्ति था, जिसके फलस्वरूप उसके साम्राज्य में शांति और व्यवस्था थी। उसकी साहित्य तथा साहित्यकारों से विशेष प्रेम था। उसकी राज दरबार विद्वानों से खचाखच भरा रहता था। विद्वानों और कलाकारों का वह हर तरह से मदद किया करता था। उसके नवरत्न में भी कालिदास, नवभूति और धनवंतरी आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। उसके शासन काल में संस्कृत भाषा को उन्नति मिली।